साल 2022 की विदाई हो चुकी है और नए साल 2023 का इसी के साथ आगाज भी हो चुका है। नए साल के लोग एक दूसरे को बधाई देने में लगे हुए हैं, तो साल 2023 को लेकर लोग नई नई प्लानिंग बनाने में भी जुट गए हैं। जिन लोगों ने 2022 में बहुत कुछ करने को सोचा, उसमें से अगर उनके कुछ वादे अधूरे रह गए तो वे सभी 2023 में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वही हर साल की तरह इस बार भी कुछ बदलाव होंगे और इन बदलाव से हर किसी के जीवन पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि टेक की दुनिया में गूगल की ओर से क्या बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका असर टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों पर पड़ने वाला है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस साल की शुरुआत में ही अपनी एक सर्विस और प्रोडक्ट को हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को लेकर एक बड़ा बदलाव करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किए जाने वाली ये बदलाव। बंद हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 का सपोर्ट बंद कर दिया था। इसके बाद विंडोज 8.1 चल रहा था। कंपनी ने अब इसको भी जनवरी में बंद करने का फैसला किया है। नए साल 2023 की शुरुआत में ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 को बंद करने जा रहा है। कंपनी 10 जनवरी 2023 तक विंडोज के 8.1 वर्जन को बंद कर देगी। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने कट ऑफ को सपोर्ट करने के लिए मौजूदा विंडोज 8.1 यूजर्स के लिए नोटिफिकेशन रोल आउट करना भी शुरू कर दिया है। गूगल कर रही है अपनी इस सर्विस को बंद। माइक्रोसॉफ्ट की तरह गूगल भी जनवरी 2023 में क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विस स्टाडिया को बंद करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी गेम स्ट्रीमिंग सर्विस स्टाडिया को बंद करने जा रही है। 18 जनवरी से कंपनी अपनी सेवा को बंद कर देगी। इससे पहले भी गूगल अपनी गूगल प्लस, गूगल करंट, हैंगआउट्स, गूगल ऑटो और गूगल प्ले म्यूजिक जैसे सर्विसेज को बंद कर चुकी है। साल 2022 की बात करें तो 2022 में एप्पल कंपनी ने भी अपने कई प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया था। लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए एप्पल कंपनी लगातार मार्केट में कुछ अपने नए प्रोडक्ट लाती रहती है। आइए जानते हैं कि एप्पल के ऐसे कौन से प्रोडक्ट रहे हैं जो 2022 में बंद हो गए। एप्पल ने आईपॉड टच को किया बंद। एप्पल कंपनी ने साल 2022 में मई में अपना आईपॉड टच बंद कर दिया था। एप्पल ने आईपॉड टच में 10 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ 1000 गानों का एक सेट लोगों के लिए इसमें लगाया था। आईपॉड टच को 2001 में लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला MP3 प्लेयर था। आईफोन मिनी का भी नहीं कर सकते उपयोग। एप्पल ने साल 2022 में आईफोन के मिनी वर्जन को बंद कर दिया है। अपने कस्टमर्स का खास ख्याल रखने और नई टेक्नोलॉजी में एप्पल यूजर्स फ्रेंडली हो, इसके लिए कंपनी अक्सर मार्केट में नए फोन लाती रहती है। आईफोन मिनी में 5.4 इंच का डिस्प्ले था। इसका डिजाइन काफी पुराना हो चुका था। आईफोन मिनी का कीमत पर लोगों को अधिक फीचर्स के साथ मार्केट एंड्रॉइड फोन मिल रहे थे। इस कारण आईफोन मिनी की मार्केट में डिमांड काफी कम हो रही थी। इसी वजह से एप्पल ने अपने मिनी वर्जन को साल 2022 में ही बंद कर दिया। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।